मेरे पास ना पिछले ईयर जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे ना अर्पित, लगभग समझ लो खाली ऑर्गेनिक के चार चैप्टर, तीन चैप्टर, ऑर्गेनिक के तीन चैप्टर को छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली, और एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार चैप्टर को छोड़ के लगभग सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड हैं, लगभग सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड हैं, खाली ऑर्गेनिक के तीन चैप्टर को रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बिकॉज ये बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया था बच्चों को, और तब तक रिकॉर्डिंग कोई उस टाइम हम नहीं कर रहे थे रिकॉर्डिंग उतना ज्यादा। तो तीन चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं, हाइलोएल्केन, आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है, तीन चैप्टर कीटोन वाला जो चैप्टर है, ये तीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इसके अलावा सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा है पूरा, बच्चों ने खुद ही क्योंकि उनको भी चाहिए था बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए तो उन्होंने रख लिया। तो इन तीन चैप्टर को अभी अगर हम कर लेते हैं रिकॉर्डिंग ना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, पूरा आपके पास रह जाएगा सारा, ठीक है? तो अच्छा है, वॉलंटियरली मुझे अर्पित बोल भी देता है कि मैम रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दो, तो फिर कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं देख नहीं पाती हूँ, तुम डाल देते हो क्या अर्पित, रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देते हो? हाँ, बस कल के लिए डाली है, बाकी डाल देता हूँ। अच्छा, मैं आजकल नहीं देख पाती एल्किन और एल्किलाइड को, हमारा हो चुका है, दो तीन प्रिपरेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, अल्कोहल वाला खत्म हो चुका है, एल्किन वाला भी खत्म हो चुका है, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, और बेंजीन टॉलरेंट वाला आपको कल पढ़ाया था मैंने, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एरिल हैलाइड, मतलब मोस्टली क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन वगैरह, इसमें से ब्रोमोबेंजीन, ये सब यहाँ पे बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है बेसिकली, इसको थोड़ा मैं प्रोसीड कराती हूँ कि कैसे हम इसको, ऐसा नहीं है कि फटाफट एक ही स्टेप में सारा हो जाएगा, मुझे पहला वाला स्टेप में पहला आपको बताया था ना। हाँ भाई बोलो। मैम ये कल ही कराया था शायद, इट्स मेरा भी लास्ट सनवेयर तो नहीं कराया था, खाली डायजेस्टाइजेशन करा के छोड़ दिया था ना मैंने, कहाँ कराया था सनवेयर, तो काफी बहुत बड़ा है। तो ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, एरोमाटाइजेशन, सॉरी एरोमाटाइजेशन बोल रही हूं, डायजेस्टाइजेशन पढ़ा था कल। डायजोटाइजेशन सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको डायजोटाइजेशन पढ़ाऊंगी, ये क्या है, डायजोटाइजेशन में क्या करा जाता है, एनिलीन को कन्वर्ट करा जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है? सबसे पहले डायजोटाइजेशन में क्या करा जाता है, एनिलीन का मतलब होता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, डायजोटाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें कि एनिलीन जो कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है उसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कराया जाता है। इसके लिए हम क्या डाले थे, याद करो, NaNO2 डाले थे और HCl डाले थे और साथ में 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगा था, 0 से 5 डिग्री। डायजोनियम सॉल्ट एक बार बन जाता है उसके बाद मैं फिर एरिल हैलाइड इजीली बना सकती हूँ थ्रू सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्समैन रिएक्शन, या आगे 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 आपका पूरा चलेगा। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया था, डायजोटाइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू डायजोनियम सॉल्ट। अगर आपको पूछा जाएगा, ये बोर्ड में ऑलरेडी, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, एक्सप्लेन डायजोटाइजेशन, ठीक है? द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू डायजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डायजोटाइजेशन। अब हम सीधे चलते हैं, मैंने क्या करा था, एक हमने एनिलीन लिया था जो कि 1 डिग्री है, अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बाद में पढ़ोगे, हमारे इस चैप्टर में पढ़ोगे, अभी इतना जान लो कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, दिस इज नोन एज एनिलीन। अब इसको मैं क्या करती थी, इसको मैं NaNO2 और HX, एक्चुअली यहाँ पे HX को हम यहाँ पे HCl डाल देते, मोस्टली यहाँ पे 3HCl डाला जाता है, ठीक है? तो आप चाहो तो HCl डाल सकते हो, 3 डालो, 2 डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो मैम। बट नोट्स में ना NaNO2 ना कैटलिस्ट है, वो चलेगा, ये दोनों को आप प्लस HCl करके भी कर सकते हो, ये कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पे, ये जो HCl है ये कैटलिस्ट नहीं है बेटे, ये तो जुड़ेगा डायजोनियम सॉल्ट में, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, NaNO2 लिख सकते हो, प्लस HCl कर सकते हो, ये तो चलेगा, इसमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, क्लियर ना?
यहाँ पे आप ले सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे काम चलता है ये। आप एक मिनट रुको, तो जस्ट दिक्कत अगर ज्यादा है, सबसे बेस्ट है, किसी को डाउट नहीं होगा, क्या कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो यूज नहीं होता है, बाहर निकल जाता है, बट यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है, वो यूज हो रहा है पूरा। आप सीधा एक काम करना, सबसे बेस्ट तरीका है NaNO2 डाल देना, HCl डाल देना, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरे एरो के ऊपर दोनों को डाल दिया है, NaNO2 HCl दोनों को एरो के ऊपर मैंने डाल दिया है। ये रिएजेंट डाले जाते हैं यहाँ पे, साथ ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट डाले जाते हैं रिएक्शन को लेने के। और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टू लेके 5 डिग्री सेल्सियस, कई बार 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, यहाँ पे 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन ऐसा भी लिखा जाएगा। आपको पता है 0 डिग्री मीन 273 केल्विन, मैंने यहाँ पे 0 डिग्री दिखाया है, बात बिल्कुल वही है। तो जब ये रिएक्शन दिखता है तो क्या बनता है, मैंने क्या कहा था आपको, ये कोल्ड है, कोल्ड। आप लिख देना ज्यादा कुछ दिखता है तो आप कोल्ड, बिकॉज ये बिल्कुल रूम एकदम बिलो टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कैरी आउट होता है ये, सीधा बनाएगा डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। डायजोनियम सॉल्ट को लिखने में गलती मत करना, N2+Cl-, इट इज जस्ट लाइक अ सॉल्ट, दिस इज नोन एज डायजोनियम सॉल्ट। हम इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पे मिक्सचर लिया गया है NaNO2HCl का, इसका मैंने कल आपको बताया था NaNO2, क्योंकि आपको अमाइंस चैप्टर में भी ये चीज रिपीटेड पढ़ने हैं, दोबारा और एक बार पढ़ने हैं इसको। NaNO2 और HCl जब जुड़ते हैं, आपको पता है HCl इज अ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड HCl, HBr, HI, दीज आर मिनरल एसिड्स। जब ये जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं HNO2+NaCl। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मुझे HNO2 चाहिए, दिस इज माई नाइट्रस एसिड, मैंने आपको कल कहा था। और इस HNO2 को हम और भी क्या कहते हैं, HONO भी कहते हैं, कल बताया था मैंने, बहुत सारे स्कूल में बच्चे इसको HONO कहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, HONO मीन्स HNO2, HONO कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बनाने के लिए ही मुझे इन दोनों का मिक्सचर लेना पड़ता है, क्लियर है। अब ये रिएक्शन कैरियर हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली 3 लिया जाता है, कब अगर कभी पूछ लिया टीचर तो ध्यान रहे, एंट्रेंस का टॉपिक है ये। 3 मोल HCl डाला जाता है, 1 मोल HCl क्या करता है, एनिलीन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, दूसरा मोल HCl क्या करता है, इसे बनाने में हेल्प करता है, और तीसरा मोल क्या करता है, कुपलिंग रिएक्शन से बचाने के लिए इस यहाँ पे यूज करा जाता है, ताकि कुपलिंग रिएक्शन यहाँ पे आगे ना बढ़े। ये आप पढ़ोगे अमाइंस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एंट्रेंस का टॉपिक है, आपको बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा कि 3 HCl का काम बताओ, नहीं पूछा जाएगा, ये एंट्रेंस में पढ़े जाते हैं बच्चे करते हैं। फिर भी जान लो कि 3 यूज होता है, 3 मोल HCl जब डाला जाता है, एक तो डिसॉल्व करता है, एक तो ये प्रोडक्ट बनाता है, और तीसरा जो है फर्दर रिएक्शन को, क्योंकि है ना ये दोनों रिएक्शन दिखाने में माहिर है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्शन दिखा के ये येल्लो डाई बना लेते हैं, जो कलर डाई होता है ना, ऑरेंज डाई, कलर डाई, येलो डाई होता है ना, तो ये दो मिलके बना देते हैं। तो इसीलिए रिएक्शन को फर्दर ब्रेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए तीसरा HCl को भी डाला जाता है यहाँ पे। उसकी एक बहुत लंबी है, फिर आपको ये पूरा एंट्रेंस के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, pH वगैरह में जाना पड़ेगा, छोड़ दो, ठीक है। ये बन चुका है डायजोनियम सॉल्ट, बन गया, दिस इज माय डायजोनियम सॉल्ट। ये सॉल्ट के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि ये सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सॉल्ट डायजोनियम सॉल्ट जो है ये बहुत अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में, तो इसीलिए मुझे काफी ध्यान के साथ इसे बनाना पड़ता है लो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस से बना के काफी अच्छे तरीके से इसको स्टोर करना पड़ता है, काफी केयरफुली रखना पड़ता है मुझे। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है डायजोनियम सॉल्ट की, ठीक है। अच्छा,
ये बहुत एक अच्छा इंटरमीडिएट होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखो, सुनो इसको जो मैं बोल रही हूँ, ये एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट होता है। और किसी डायटोमिक सॉल्ट से क्या क्या बना सकती हूँ, फेनॉल बन सकता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन, आयोडोबेंजीन, सियानोबेंजीन, सब कुछ बन सकता है। एक डायजोनियम सॉल्ट को काफी सारी चीजों में यूज करने के लिए बनाया जाता है। मोस्टली इसका कोई काम नहीं, इसको इसको दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए ही बनाया जाता है। डायजोनियम सॉल्ट को मोस्टली कलर डाई वगैरह बनाने के लिए यूज करा जाता है। डायजोनियम सॉल्ट को साथ में डिफरेंट डिफरेंट एरिल हैलाइड या एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए डायजोनियम सॉल्ट को यूज करा जाता है। तो ये पूरा डन हो गया है बच्चे। अगर ये डन हो गया है तो अब आपको मैं पूरे लेके चलूंगी सैंडमेयर रिएक्शन। ये तो डायजोटाइजेशन मैंने बताया, ये पूरे डायजोटाइजेशन है। अब मैं वेट क्या कर रही थी कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास अभी आ चुका है। अब इसको यूज करके मैं सैंडमेयर रिएक्शन में जाऊंगी और एरिल हैलाइड बनाऊंगी। दिस इज डन। कल भी हो चुका था, तो अब ध्यान रहे, अब मेरा जो आगे का काम बनेगा सारे डायजोनियम सॉल्ट से बनेगा। मेरा मेन जो था वो डायजोनियम सॉल्ट बनाना था, मैंने बना दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब मेरे पास है सैंडमेयर स्टेज, सैंडमेयर कहा जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अब इसका नोट्स पढ़ा है, आप पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं। ध्यान रहे, सैंडमेयर रिएक्शन का तीन रिएक्शन है, एक तो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे और सियानोबेंजीन भी बनाएंगे। तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या कहा जाता है आपको बता देती हूँ। तो हम लेंगे डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, और इससे मैं बना सकती हूँ एक तो क्लोरोबेंजीन, एक तो ब्रोमोबेंजीन और दूसरा सियानोबेंजीन। तीनों तीनों को ही सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इसमें सब कुछ भी डायजोनियम से अगर क्लोरो बनाओगे तब भी सैंडमेयर रिएक्शन, अगर मैं ब्रोमो बनाऊंगी तब भी सैंडमेयर रिएक्शन, डायजोनियम से सियानो बनाएंगे तब भी सैंडमेयर रिएक्शन। चलते हैं बनाते हैं डायजोनियम सॉल्ट। देखो मैंने ले लिया है N2+Cl-। इसके आगे तो और बहुत कुछ पढ़ना है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन, इसका रेजोनेंस इफेक्ट क्या दिखता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, ये सब दूसरा है पढ़ोगे। डायजोनियम सॉल्ट के लिए पूरा एक टॉपिक पड़ा हुआ है एमाइंस चैप्टर में। आज डायजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्शन दिखा देते हैं किसके साथ, CuCl HCl के साथ। डायजोनियम सॉल्ट को अगर मैं CuCl के साथ, CuCl, ठीक है, आप इसे क्यूप्रस क्लोराइड कह सकते हो, कई बार इसे यहाँ पे बेसिकली जो मेरा कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो CuCl है, सॉरी HCl अगर मैं डालूंगी तो ये क्या बनाता है, ये मुझे देता है Cl प्लस, मैं आपको बता देती हूँ, ये दे देगा मुझे N। क्लियर है, जब मैं इसमें CuCl HCl डाल देती हूँ तो Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यहाँ से Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। Cl तो यहाँ पे है ही, N2 को रिमूव करके मुझे लाना होता है बस, और कुछ नहीं काम है। ये जो N2 है बीच में, ये N2 को मुझे निकाल के बाहर करना पड़ता है, सो दैट ये क्लोरीन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ जाता है आगे। दिस इज माई क्लोरोबेंजीन। तो ये है मेरा सैंडमेयर रिएक्शन, जहां पे मैंने डायजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करा है क्लोरोबेंजीन। आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट डायजोनियम सॉल्ट टू क्लोरोबेंजीन, इजी है ना, वन स्टेप रिएक्शन है, सीधा दिखाना है आपको ये। तो दिस इज माय सैंडमेयर रिएक्शन। अब हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगेन मैं लेती हूँ, अब इसमें हम क्या करेंगे, CuBr ले लेंगे और HBr ले लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली जस्ट बेटा दो मिनटों को, ब्रोमो वाला आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, इस चैप्टर में ब्रोमो वाला नहीं मिलेगा,
बेंजीन बनाते हैं एन टू बना जाएंगे। सेंडवेयर रिएक्शन में हम और भी क्या बनाते हैं, सेंडवेयर रिएक्शन के थ्रू हम क्लोरो बेंजीन को CuBr HBr डाल के यहाँ पे ब्रोमीन भी डाल सकते हैं और इसमें भी एन टू आ जाएगा। क्लियर है, वही रिएजेंट डाला गया है, CuCl CuBr HBr डाला गया है, इसे भी हम सेंडवेयर रिएक्शन कहते हैं, जहां पे हम डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसमें ये डालने के बाद ये ब्रोमो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी सेंडवेयर है। अच्छा, अब एक थर्ड क्लोरो बेंजीन नहीं हो, हाँ बोलो, क्लोरो बेंजीन नहीं होता क्या है, बोलो मैम, क्लोरो बेंजीन नहीं बनेगा, नहीं फ्लोरो और आयोडो के लिए नहीं, फ्लोरो और आयोडो के लिए डिफरेंट रिएक्शन है, पढ़ेंगे इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट लेती हूँ और यहाँ पे मैं CuCN, देखो CuCN है क्योंकि मुझे साइनाइड बनाना है, और यहाँ पे KCN लिया जाता है, ये सारे हमारे इस चैप्टर में है, मैं इस चैप्टर में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको एक नॉलेज मिले कि सेंडवेयर रिएक्शन में खाली एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर में सेंडवेयर रिएक्शन के अंदर खाली ये वाला गिवन, एक वाला खाली गिवन है, बट ये तीनों को भी हम सेंडवेयर रिएक्शन कहते हैं, तो तीनों के तीनों जान लो। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका लाइक दिस, यहाँ पे सियानो बेंजीन बनेगा और साथ में N2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि खाली डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन को हम सेंडवेयर रिएक्शन नहीं कहते हैं, ब्रोमोबेंजीन को और सियानो बेंजीन को भी हम सेंडवेयर रिएक्शन कहते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या हुआ दीपाली मैम, KCN कैटलिस्ट बन जाएगा ना? हाँ यहाँ पे KCN कैटलिस्ट बन जाएगा, HBr है, HCl है, ये सब है, उस तरीके से काम देंगे, बट बेसिकली ना यहाँ पे CN जो है, देखो यहाँ पे जुड़ रहा है आके पूरा, यहाँ पे जो CN है ना, ये प्रॉपर आके इन सबको डिस्प्लेस करके यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, KCl प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा, CN आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम उस तरीके से देखें तो ये कैटलिस्ट है, CuCl CuBr CuCl, ये सारे कैटलिस्ट हैं, ठीक है। बाकी जो है इनका रिएक्शन यहाँ पे साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन आ चुका है, मैंने HCl डाला था, HBr डाला था, यहाँ पे Br आ चुका है, और यहाँ पे मैंने KCN डाला था, तो यहाँ पे CN भी आ चुका है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैटलिस्ट कौन है और रिएजेंट कौन है, कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट हो जाता है अपने आप, और रिएजेंट जो होता है वो यूज हो जाता है रिएक्शन में। तो ध्यान रहे ये जो तीन रिएक्शन आपको मैंने बताया, ये तीनों के तीनों सेंडवेयर रिएक्शन है, तीनों को सेंडवेयर रिएक्शन कहते हैं, बट इस चैप्टर में आपको अगर सेंडवेयर रिएक्शन बोलेंगे तो आपको खाली यही पूछा जाएगा कि डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, या सेंडवेयर रिएक्शन अगर पूछेंगे तो आप ये वाला रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो उनको कि हम कैसे बनाते हैं डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन। डन है बच्चे, ये पूरा डन है, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, CuCl HCl डालना पड़ेगा, CuBr HBr CuCl HCl, सिंपली लर्न करना है, और ये भी थोड़ा कम टेम्परेचर में करा जाता है क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो रूम टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने कैरी आउट कर दिया है, बाकी अब हम चलते हैं कि ये डन हो गया। अच्छा आपने क्या देखा कि मैंने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो बना दिया, ठीक है, सियानोबेंजीन भी बना दिया, बट मैंने आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन यहाँ से नहीं बना, तो सेंडमेयर रिएक्शन से आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, सेंडमेयर रिएक्शन से आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है। उनको बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे डिफरेंट तरीका जानना होगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से मेरा फ्लोरो और आयोडोबेंजीन बनेगा। अच्छा मैं आपको और एक बात बताती हूँ अभी, और एक रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है कि अगर मुझे डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो मैं कॉपर क्लोराइड जो है यहाँ पे CuCl CuBr जो है इसके बदले सिंपली कॉपर पाउडर लेके भी मैं रिएक्शन को कैरी आउट कर सकती हूँ, और अगर कॉपर पाउडर लेके मैं बनाऊंगी तो रिएक्शन नेम चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, आपको क्या करना है बस CuCl के बदले कॉपर पाउडर लेना है, रिएक्शन नेम चेंज हो जाएगा, सेंडवेयर रिएक्शन से चेंज होके वो बन जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। तो चलते हैं गैटरमैन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, अभी लिखवाती हूँ यहाँ पे, ये मैं चेंज करूँ क्या, क्या बोलूँ,
डन मैम। यस मैम। तो सैंडमेयर को ध्यान रहे, सैंडमेयर में तीन चीजें बनते हैं, कॉपर क्लोराइड लिया जाता है और एसटीएल के साथ रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ये तो रिएक्शन के नेम होते हैं ना, सैंडमेयर, गटरमैन, ये सब हो है, ये साइंटिस्ट के नाम से आता है। तो हम सीधे चलते हैं तो डायजोनियम क्लोराइड लेंगे और साथ में अगर मैं यहाँ पे सीयू कॉपर पाउडर डालेंगे और साथ में HCl डालेंगे, वहां पे CuCl डाला था, यहाँ पे कॉपर पाउडर डालेंगे और ये भी मुझे दे देगा क्लोराइड, दे देगा क्लोरोबेंजीन दे देगा। अब इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, अगर आप कॉपर पाउडर डाल के बनाते हैं तो रिएक्शन इज गटरमैन रिएक्शन। आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन गटरमैन रिएक्शन एंड राइट डाउन समथिंग अबाउट द नेम रिएक्शन गटरमैन, नेम रिएक्शन आ गया पूरा यहाँ पे। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपली वही डालना है जैसे आपने सैंडवेयर में डाला था, CuCl डाला था, उसके बदले कॉपर पाउडर डाल देना है, यू विल गेट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो गटरमैन रिएक्शन से मैं ब्रोमोबेंजीन भी बना सकती हूँ, यहाँ पे कॉपर पाउडर, यहाँ पे HBr डालना पड़ेगा आपको, मैं सीधे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकती हूँ। डायजोनियम सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन बनेगा, कॉपर पाउडर और HBr डालेगा, HBr। हाँ यस बोलो। N2 भी निकलेगा इसमें से, N2 आएगा, बता दिया है किस तरीके से जाता है। अब हम चलते हैं, इससे ब्रोमो भी बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर पाउडर और HBr लोगे ना तो ब्रोमो कंपाउंड भी बनेगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो गटरमैन रिएक्शन से, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आयोडो और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। अच्छा इसे मैं रफ करती हूँ क्योंकि मैं दोनों एक साथ आपको दिखा दूंगी तो ठीक रहेगा, इसे रफ कर लेंगे। गठन रिएक्शन देख लो, कुछ एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं। आप अच्छा ये नेम रिएक्शन है, मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, रिएक्शन का नाम बदल गया, कुछ दूसरा रिएजेंट था, सैंडमेयर रिएक्शन था, अब मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, रिएजेंट चेंज कर दिया तो गठन रिएक्शन हो गया। तो ये धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे ना तो ये धीरे धीरे लर्न होता जाए। चले इसे रफ कर दू, फिर मैं देख लो। डन मैम। डन है एवरीवन, डन प्राची, विंशु डन है, यस मैम, ऑल आर डन, यस मैम। हम चलते हैं कि अब तक तो सब कुछ पढ़े होंगे, ब्रोमोबेंजीन पढ़ा, क्लोरोबेंजीन पढ़ा, सियानोबेंजीन पढ़ा, अभी आयोडोबेंजीन को कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा। डायजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन जब हम बनाते हैं तो मुझे इसमें बेसिकली मैं आपको बताती हूँ डायजोनियम। कैसे बनता है, मैं यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट देती हूँ, N2+Cl- है, N2+Cl- मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैं एक्वस KI सॉल्यूशन डालती हूँ, थोड़ा सा वर्म रहेगा, वर्म सॉल्यूशन है, वर्म मतलब रूम टेम्परेचर लाइट टाइप का रहेगा, थोड़ा सा हल्का रहेगा, वर्म रहेगा यहाँ पे, एक्वस KI सॉल्यूशन यहाँ पे डाला जाता है, KI सॉल्यूशन डाला जाता है यहाँ पे, जब इसमें मैं KI डालूंगी वर्म सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ वर्म सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये क्या बनाता है, सिंपली आयोडोबेंजीन बनाता है, ये बनाता है आयोडोबेंजीन, प्लस N2 बाहर जाएगा, प्लस KCl भी बाहर जाएगा, KCl भी बाहर जाएगा, आयोडीन जाके यहाँ पे जुट जाएगा और N2 भी बाहर जाएगा। आपको पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद एक्वस KOI
एक्वस सीआई सॉल्यूशन, राइट डाउन द रिएक्शन बोलेंगे, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माय डाइजोनियम सॉल्ट टू आयोडोबेंजीन. आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को सेंडमेयर रिएक्शन से नहीं बनाते हैं. दिस इज डन वेरी सिंपल. अब हम चलते हैं फ्लोरोबेंजीन. फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है हम उस रिएक्शन को कहते हैं. मैम आपने कैटलिस्ट पे क्या लिखा हुआ है, वॉर्म वॉर्म सॉल्यूशन, वॉर्म सॉल्यूशन. क्लियर है? अच्छा, डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं. रिएक्शन नेम नोट डाउन कर लो, दिस इज नोन एज बाल सीमेन रिएक्शन. यहाँ पे देख लो, ठीक है, यू कैन कॉल इट बाल शिमन रिएक्शन, आप बोल सकते हो इसको, इसका नाम है. अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे, ये कैसे बनता है. यहाँ पे हम लेंगे डायजोनियम सॉल्ट, लेंगे, ले लिया मैंने डायजोनियम सॉल्ट. हाँ बोलो मैम, ये आयोडोबेंजीन वाले रिएक्शन के लिए कोई नाम है? नहीं, इसके लिए कोई नाम नहीं है, इसके लिए कोई नाम नहीं है. आप जब भी एक्वस केआई सॉल्यूशन में जब आप डायजोनियम सॉल्ट को डालोगे तो आयोडोबेंजीन रेडी हो जाता है. जस्ट वेट करो आप, ठीक है. आप हमेशा एनसीईआरटी को भी पास रखना, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो ना तो एनसीईआरटी को भी पास रखना. कई बार वैसे एनसीईआरटी में बहुत डिटेलिंग में आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज, इसका कोई नाम नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई नाम नहीं है. इसे हम ये कहते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट जब वार्म सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन दिखाता है तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको ऐसे शेक कर दोगे ना, शेक कर दोगे डायजोनियम सॉल्ट, और डायजोनियम सॉल्ट लोगे उसमें के आई डाल दोगे, वार्म सॉल्यूशन थोड़ा सा रहेगा, हल्का सा वार्म के आई पोटेशियम आयोडाइड लोगे और शेक कर दोगे, शेक करने के बाद ऑटोमेटिकली आयोडोबेंजीन बन जाता है. ठीक है, एंड स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर अ नेम. I don't think यहाँ पे सब कोई नाम है, सब कोई नाम नहीं है, फिर भी जब अभय ने पूछा है तो let me check. No, there is no name for this. There is no name. ये साइंटिस्ट ने बनाते बनाते डायजोनियम सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड ऐसे शेक कर दिया होगा, कि बेसिकली इसका कोई नाम ऐसे नहीं दिया गया है कि आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन होता है. बट फ्लोरोबेंजीन के लिए बाल शिमन रिएक्शन जो है ये आपका नेम रिएक्शन में है, बट ये